सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में यूं ही बड़े दिल वाला नहीं कहा जाता। उनके कई काम ऐसे हैं जो उनके फैंस के दिलों को छू जाते हैं। सलमान खान ने अपना करीब 5 साल पुराना अब वादा पूरा किया है, जिसके बाद हर तरफ बस उन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल सलमान खान साल 2018 में कैंसर से जूझ रहे एक 4 साल के बच्चे से मिले थे। बच्चे का नाम जगनबीर है। उस वक्त सलमान ने जगनबीर से प्रॉमिस किया था कि अगर वो कैंसर से चैंपियन की तरह जंग लड़ेंगे तो वो फिर उनसे जरूर मिलेंगे। जगनबीर ने कैंसर को हरा दिया और सलमान खान ने पिछले साल दिसंबर में अपना ये वादा पूरा कर दिया। उन्होंने बांद्रा में अपने घर पर 9 साल के हो चुके जगनबीर से मुलाकात की। जगनबीर को जब कैंसर हुआ था तो वो 4 साल के थे। नन्हे से बच्चे के दिमाग में ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनकी आंख की रोशनी भी चली गई थी। जब वो उस वक्त सलमान खान से मिले थे तो उन्हें देख भी नहीं पाए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सलमान खान उसके पास खड़े हैं। फिर जगनबीर ने अपने हाथ से सलमान खान को छुआ, उनका ब्रेसलेट टच किया, तब जाकर सबकी बातों पर उसको यकीन आया। जगनबीर की मां सुखबीर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और बताया कि उनका बेटा जब करीबन 3 साल का ही था तब अचानक उसके आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। जांच करवाने पर पता चला कि उसके सिर में सिक्के के बराबर एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसके आंखों की रोशनी चली गई। उस वक्त डॉक्टरों की सलाह पर वो मुंबई गए, पर अपने बेटे को उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि वो मुंबई जा रहे हैं। जगनबीर को लगा कि वो शायद सलमान खान से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनकी मां ने बताया कि सलमान से मिलने के ख्याल से जगनबीर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी उससे कहते रहे कि सलमान खान उनसे मिलने आएंगे। जब अस्पताल के अधिकारियों को ये बात पता चली कि जगनबीर सलमान खान से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने अंजीजी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर सलमान खान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने एक वीडियो बनाया और सलमान खान को भेज दिया, पर जब सलमान खान हॉस्पिटल आ गए तो जगनबीर को लगा कि उसके पेरेंट्स उनसे झूठ बोल रहे हैं। पर ब्रेसलेट छूने के बाद जगनबीर को ये बात महसूस हुई कि वो वाकई सलमान खान से मिल रही हैं और वो खुशी से झूम उठे। जगनबीर की मां ने बताया कि कीमोथेरेपी के 9 राउंड और रेडिएशन के 4 राउंड के बाद उनका बेटा अब कैंसर फ्री हो चुका है। उसके आंखों की रोशनी भी आ चुकी है और अब वो हर चीज देख सकता है। जगनबीर स्कूल भी जाने लगा है। सुखबीर ने बताया कि इलाज के दौरान भी सलमान खान की टीम उनके संपर्क में थी। दोबारा मुलाकात के इंतजाम भी सलमान खान की टीम ने ही किए थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस न्यूज को काफी पसंद किया जा रहा है। लोग सलमान खान की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।